श्रीनगर में पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर कई बार पत्थरबाजी कर घायल किया है। हाल ही में हुई बारिश के चलते इन्हीं जवानों ने अपने कंधों पर उठा के इन कश्मीरियों को बाहर निकाला था, पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ की जा रही बदसुलूकी पर कश्मीर के लोगों को शर्म आनी चाहिए। वही पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिए बयान में कहा कि सरकार कश्मीरियों का तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू करने की मांग की। क्यों भाग रहा था? क्यों डर रहा था? डंडे से डर रहा था या इससे डर रहा था? चलाऊंगा। क्या नाम है तेरा पूरा नाम? मोहम्मद अशरफ डार। मोहम्मद अशरफ डार। कौन सा माला? पाइमस पठानपुरा। पाइमस पाइमस इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना। तू पाइमस का है? बिल्कुल नहीं मारना, इसको नहीं मारना। उस दिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारा था जो इधर बजा था। पाइमस तू पाइमस का है? पठानपुरा। सीधा बोल हाँ या ना। पत्थर मार रहा था। अगर तू सच बोलेगा तो ठीक करेगा, नहीं बोलेगा तो मैं कोई नहीं पूछेगा क्यों इसको गोली मारी। बोल ये ठीक है, ये ठीक बोल। 27 साल में इन पुलिस को इस तरह की एडवाइजरी जो है वो महसूस हुई। पुलिस वाले अपने घर नहीं जा सकते हैं, अपने घर वालों से मिल नहीं सकते। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? ठीक है, ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कर पाती। जिस पार्लियामेंट सीट को महबूबा मुफ्ती ने खुद छोड़ा, उस पार्लियामेंट सीट को आज भरा नहीं जा सकता। पुलिस वाले अपने घर नहीं जा सकते हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि इन हालात में भी महबूबा मुफ्ती कुर्सी को पकड़े रखे, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। जिस वक्त श्रीनगर के इलेक्शन का नतीजा निकला, उस वक्त फारूक साहब ने कहा कि अब महबूबा मुफ्ती को या तो खुद इस्तीफा देना चाहिए या तो फिर उनकी हुकूमत को बर्खास्त किया जाना चाहिए और यहाँ पर गवर्नर साहब जो हैं वो कमांड संभालें और हालात को हैं दोबारा से ठीक बनाए, क्योंकि इन लोगों की बस की बात नहीं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को गिरफ्तार किया, ज़रा हमें बताएं कहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, कहाँ पे उनके खिलाफ केस हुआ है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वर्करों ने इतनी खराबी की है तो मुझे ये बताइए ना, आप जिन इलाकों से सबसे ज़्यादा हमें वोट मिलते थे, चाहे वो चारूरा हो, चाहे वो चरारे शरीफ हो, चाहे इस तरह के इलाके हों, सबसे कम वोट वहाँ क्यों पड़े? ईदगाह जो हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ 400 से कम वोट क्यों पड़े? अगर हमें खुद माहौल बिगाड़ना होता तो हम माहौल उन इलाकों में बिगाड़ते जहाँ पीडीपी को वोट पड़े। हम क्या अपने घर में ही पत्थर फेंकते? ये रब ये बहाने हैं, हकीकत ये है कि हालात पे ये लोग जो है पूरी तरह से काबू जो है वो खो गए हैं, और जब तक ये लोग इख्तदार में रहेंगे।